इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज और IN7 में आप सभी का खैर मांगता हूं। कोरोना का कहर जारी है। आज फिर बेलगाम और अतराफ में 400 के करीब पॉजिटिव मामले पाए गए। बेलगाम शहर में 100 से ज्यादा तो तालुका 200 और नज़दीकी करियों में भी 100 के करीब पॉजिटिव मरीज पाए गए। मरीजों के साथ आज भी अस्पताल वालों का रवैया ठीक नहीं है, ऐसा कोविड से मरने वालों के घर वालों का कहना है। बेहिसाब बिल अदा करने के बाद भी मरीज मर जाता है, ऐसा क्यों? इस सवाल के साथ यह भी सवाल किया जा रहा है कि जबकि मामूली बीमार होने के बाद सिर्फ एक या दो दिन में मरीज मर क्यों रहा है? घरों में इलाज के मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में वैसे भी मरीजों के लिए बिस्तर ना होने की वजह से घरों में इलाज का मशवरा भी कुछ अस्पताल वाले दे रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक 700 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में जेर इलाज है। वैसे तो अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है, पर बुखार और जिस्मानी कुव्वत को फरोग देने वाली मेडिसिन के जरिए कोरोना को शिकस्त देने की महज एक कोशिश ही कह सकते हैं। कोरोना मुतासिर मरीजों में बेतहाशा होता इजाफा सेहत महकमा की परेशानी में इजाफा तो कर ही रहा है, पर इस तरह बढ़ते मरीजों पर काबू कैसे पाया जाए? और दूसरी तरफ यह भी सच्चाई है कि डॉक्टर्स नर्सेज मरीजों के मुकाबिल बहुत नाकाफी है। जाहिर है कई जगह पर मरीजों की देखभाल का सवाल खड़ा हो जाता है। आपको हर रोज कहीं ना कहीं कोरोना मरीजों की शिकायत हासिल होगी। प्राइवेट अस्पतालों में मरीज के इलाज का बिल तो लाखों में किया जा रहा है, तकरीबन भारत की तस्वीर एक जैसी ही है। आंध्र प्रदेश के ओंगोल के रिम्स अस्पताल में कोविड पेशेंट को कुत्ते नोचते हुए वीडियो वायरल हुआ है। पेशेंट का नाम कांताराम है, पर इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि इस पेशेंट का तो इन पेशेंट के तौर पर नाम दर्ज है और ना ही आउट पेशेंट के नाम पर। लेकिन घर वालों का कहना है कि पॉजिटिव होने के बाद एम्बुलेंस घर तक आकर कांताराम को ले गई। जब इसकी मौत हुई तो अस्पताल वालों ने इसे बाहर लाकर सुलाया तो लावारिस कुत्तों ने इसकी लाश को नोचना शुरू किया। आज बेलगाम में भी निलजी गांव वालों ने केली पर इल्जाम लगाया कि जब पाटिल धनगौड़े इन्हें यहां दाखिल किया तो ठीक ही थे और चलते चलते अस्पताल में दाखिल हुए थे। इन्हें 9 तारीख को अस्पताल में भर्ती किया गया था। इनका स्वैब टेस्टिंग भी किया गया था पर हमें इसकी रिपोर्ट नहीं दी गई थी, लिहाजा आज इनकी मौत कोरोना से होने की बात कही और इसके इलाज के लिए 1.5 लाख का बिल हाथ में थमाया गया। घर वालों का सवाल यह था कि अगर वह पॉजिटिव था तो घर वालों को इत्तला क्यों नहीं दी गई थी और घर वालों को क्वारंटाइन होम आइसोलेशन वगैरह जो करते हैं क्यों नहीं किया गया था। इन्होंने यह भी बात बताई कि केली अस्पताल का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, शायद इस पर कोई कार्रवाई न हो, पर हमने APMC से मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया हुआ है। कई कहानियां हमें बेलगाम के मुख्तलिफ अस्पतालों के सामने देखने को मिली। सवाल यही उठता है कि मौत का खेल आखिर कब खत्म होगा? बेलगाम शमशान में जगह नाकाफी होती जा रही है। हर रोज मरते मरीजों को चिता देते देते महकमा थक रहा है। बेलगाम में जितने भी शमशान घाट है उसमें उमूमन 2 या 3 को चिता दी जाती थी, पर हासिल इत्तला के मुताबिक पिछले 25 सालों में इतने बड़े पैमाने पर मौतों का आंकड़ा नहीं देखा, ऐसा कहा जा रहा है। हर रोज 30-40 की मौतें दर्ज की जा रही है की भी खबर हासिल हुई है। इसमें कोरोना से मरने वालों की तादाद कम है पर दिगर मरीज इलाज ना होने से और डर खौफ की वजह से मर रहे हैं, इस तरह की बात भी गश्त कर रहे हैं। मेरे कजिन को 9/8/2020 को रविवार दिन यहाँ पे KLA हॉस्पिटल में हमने ब्रीदिंग प्रॉब्लम है करके एडमिट किया हुआ था और 11 तारीख को यहाँ KLA हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनका स्वैब जो है कलेक्ट करके सैंपल रिपोर्ट इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट उन्होंने आज तक हमें सबमिट नहीं किया हुआ है। आज सुबह 7 बजे वो जो मेरे अंकल बाराम पाटिल धनगावड़े थे उनका देहांत हो गया और सुबह से हम 8 बजे से यहाँ पे उनकी बॉडी लेने के लिए आए हुए हैं। 11 बजे हमने उनका पूरा बिल जो पेमेंट जो है 1,42,000 रुपये जो हायर चार्जेस बना के उन्होंने
किया हुआ है, बहुत ही उनको ट्रीटमेंट दिए बगैर उन्होंने एक्चुअली उसको उनको बोले तो मारा हुआ है, और डॉक्टरों की नेग्लिजेंस की वजह से हमारा पेशेंट वहाँ पे बोले तो डेथ हुआ है, उसका कारण जो है वो डेथ है। देखिए 11 तारीख जो कोई जो उन्होंने स्वैब का सैंपल लिया हुआ था कोरोना का टेस्ट करने के लिए, आज तक उन्होंने हमारे को किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी केएलए हॉस्पिटल के पीआरओ ने या किसी भी आदमी ने हमें बोला नहीं कि इसको उसको जो कोविड पॉजिटिव आया हुआ है रिपोर्ट करके। आज हम इंसिस्ट करने के बाद हमें रिपोर्ट दे दो, हमें डिस्चार्ज कार्ड दे दो और सभी पेपर्स दे दो करके बोलने के बाद, वो भी जो जोर से किसी हाई इन्फ्लुएंस लगा के बोलने के बाद वो लोग बोलते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने से वो मरा हुआ है करके वो लोग बोले तो अभी आज बोल रहे हैं, वो भी 4 बजे आज शाम को 4 बजे, सुबह सात बजे इंसिडेंट बोले तो वो मर गए हुए और 4 बजे बोलते हैं कि आपका पेशेंट पॉजिटिव था। और रिपोर्ट अब व्हाट्सएप पे उन्होंने हमें भेज दिया जो 12 तारीख रिपोर्ट आया हुआ है ऐसा करके उसके ऊपर है। तो 4 बजे वो भी मरने के बाद हम बॉडी लेके लेने के लिए आते हैं ना, उस टाइम पे वो बोलते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव था करके। एक्चुअली उनका इंटेंशन जो है कोरोना पॉजिटिव रहा तो भी लोगों को बताना नहीं, वो रोग जो है वो और फैलना लोगों में, वो जो उनके रिलेटिव है, उनके भाई बंध है, उनके कजिन्स है, वो बड़ा परिवार है उनका, वो लोग जो है वो गांव में वहां पे और लोगों के साथ मिलना, स्प्रेड होना, यहां इनका पेट भरना, हॉस्पिटल में हम लोग उनका और यहीं पे आना एडमिट करवाना, ये इसके इंटेंशन से उन्होंने आज तक हमें उनका जो रिपोर्ट जो है नहीं बताया, इंटेंशनली नहीं बताया हुआ है। और ये पूरा कारण जो है ये केएलई वाले जो है वो स्प्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं। कोरोना एक को लगा तो फिर एक्चुअली क्वारंटाइन करना है, होम क्वारंटाइन करना है, सील करना है, सभी करना है, लेकिन आज तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। इवन आज तक हमें बताया तक नहीं इसका रीज़न, बेस्ट नोन टू दी केएलई हॉस्पिटल। अभी हमारी जो मांग है ये केएलई वाले जो है कोरोना की ये रोग भयंकर है करके बोल के लोगों को लूट रहे हैं, पूरे लूट रहे हैं। और हर आदमी को रिपोर्ट टाइम पे टाइम बताना, उसका पेशेंट का पोजीशन क्या है क्या नहीं है, इम्प्रूवमेंट है या फिर उसका बोले तो अभी वो कम नहीं हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बता रहे। ये सब जो है पाप गरीब लोगों को ये लग रहा है, जो है इनके ऊपर बहुत ही बड़ा अन्याय है। ये इसके अभी छोटे छोटी एक 5 साल की बेटी है, 5-6 साल की बेटी, उसका दूसरा कोई भी नहीं है। पैसा हमने जो उनका जो भरा हुआ है सब इकट्ठा यहाँ वहाँ ये वो करके 1,42,000 रुपये पूरा पैसा बोले तो भरा हुआ है। पैसा भरने के बाद वो भी हम बॉडी भी लेके जाने के लिए तैयार थे, बॉडी देने को तैयार नहीं। 5-4 बजे हम बोले तो बॉडी को सिर्फ दे रहे हैं, बिल भरवा लिया है, डिस्चार्ज कार्ड देने को तैयार नहीं और रिपोर्ट देने को तैयार नहीं। ये सब इंसिस्ट करने के बाद वो भी ऊपर से सब इंसुलेंस लेके आने के बाद बोलते हैं कि आपका पेशेंट पॉजिटिव है करके। खरोखर त्यांच्यावरती कारवाई व्हावी या उद्देशानं मी त्यांचा नातेवाईक पुतण्या आहे, पुतण्याच्या वतीनं या ठिकाणी APMC पोलीस स्टेशनला मी कंप्लेंट आताच दिलेली आहे, त्याची प्रत मी इथं म्हणजे तुम्हाला दाखवत आहे। त्यांनी रिसिव्ह करून जस्ट आता आम्हाला कॉपी दिलेली आहे। यावरती बघूया आता सरकार पोलीस डिपार्टमेंट किती याच्यावरती कारवाई करतं आहे आणि गरिबांना न्याय मिळवून द्यायचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करायचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यांनी बाहेर CC कॅमेरे वगैरे लावायला पाहिजे, कारण ICU मधला आपला पेशंट कसा आहे काय ते सगळ्यांना समजायला पाहिजे बाहेरच्या लोकांना। पेशंटचे नातेवाईक खाली असतात ना, मग नातेवाईकांना समजत नाही आपला पेशंट कसा आहे काय आहे ते समजत नाही, म्हणून बाहेर त्यांनी कॅमेरा दाखवून लावून त्यांनी पेशंट कसा आहे आपला ते नातेवाईकांना दाखवायला पाहिजे। 8 घंटेगे कोविड ऐत अंतेळ ಒಂದು पेशंट ಕರ್ಕಮಂದರ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು 4% ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಜ್ವರ ಐತ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕಮಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ,
ಏನು ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಲ್ಲ ಕರೆದವ್ರಿ ನೀರಾದರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಗುಳಿಗೆ ಆದರೂ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 20 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಈಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಟ್ಕೋಟ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ತಿರುಗಿಲ್ಲರಿ ಸುವರ್ಣ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಂತಾರೋ ಜನಗಳು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಕುಂತಾರೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೇನು ದೇವ್ರಂತೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ಬಡವ್ರು ಬಗ್ರು ಅಂತೂ ಸಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿನೇ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಫಸಾದ್ ಕಿಲಿಯ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಪರ್ ನಿಶಾನ ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ನೆ साजिश बेंगलोर फसाद अब सियासी रुख इख्तियार करता दिख रहा है। आज एस डी बी आई की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने बेंगलोर फसाद को एक साजिश के तहत अंजाम दिया जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों जिम्मेदार होने की बात कही गई। उन्होंने यह भी कहा कि रियासती वजीर दाखिला मुकम्मल तौर पर एस डी पी आई को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं यह नहायत झूठ है और इसे सियासी मुफाद हासिल करने के लिए किया गया। एस डी पी आई के जिम्मेदार मुजम्मिल पाशा की गिरफ्तारी इंतकामी अमल के तहत किया गया। कांग्रेस एमएलए अखंड श्रीनिवास मूर्ति का भांजा पी नवीन जो हमेशा मुस्लिम और इस्लाम मुखालिफत के तौहीन आमोज पोस्ट फेसबुक पर अपलोड करता रहा पर इसे इंतजामिया की जानिब से जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पी नवीन नामी फिरका पर शख्स ने नबी की शान में गुस्ताखी का तौहीन आमोज पोस्ट किया जिससे अवाम में काफ़ी गुस्सा देखा गया। लिहाजा पुलिस थाने के सामने एहतजाज पी नवीन की गिरफ्तारी को लेकर पुरअमन रहा। पुलिस की ताखिर ने इसे पुरतशद्दुद बना दिया। आरएसएस बजरंग दल भाजपा और दिगर सियासी पार्टियों का हाथ इसमें होने की बात एसडीपीआई की जानिब से की गई। यह भी कहा गया कि पीएफआई एसडीपीआई पर पाबंदी लगाने के लिए जानबूझकर फसाद बर्पा किया जा रहा है। सिर्फ मखसूस तंजीमों के अफराद या अकलियती तबकों के अफरादों पर पुलिस फायरिंग क्यों करती है। कई बार बजरंग दल आरएसएस वीएचपी की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज किए जाते हैं पर वहां कोई पुलिस की जानिब से सख्त इकदाम उठाए नहीं जाते ऐसा भी कहा गया। खैर तकरीबन 150 के करीब अफरादों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 30 पुलिस वाले होने की बात भी कही जा रही है। फसाद में 30 के करीब पुलिस वाले जख्मी होने की बात कही जा रही है। इस एहतजाज में 3 अफराद जानबाहक हुए हैं जिन्हें 10-10 लाख का मुआवजा देने की मांग मुस्लिम लीग की जानिब से की गई है। क्या वाकई यह एसडीपीआई पीएफआई पर पाबंदी के लिए फसाद बर्पा किया गया था या किसी मुनज्जम प्लानिंग के साथ किया गया था यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और जो खबर हासिल हुई है कि यानी कि ये जो फसाद बर्पा हुआ है या उसके बाद कई सारे साजिशें अगर फिरका परस्तों की जानिब से की जा रही है तो इसकी भी एक दलील कह सकते हैं कि श्रृंगेरी शंकराचार्य के पुतले पर एसडीपीआई का झंडा लगाया गया है। मतलब कोई कुछ तो साजिश है इसमें इसलिए एसडीपीआई का झंडा श्रृंगेरी शंकराचार्य के पुतले पर लगाया गया है। ये भी एक इसमें बात ये कहना हम जरूरी समझते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।